जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है उसी की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2013 के जेई मेन के क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर लेंगे आइसोमेरिज्म, राइट। आइसोमेरिज्म के जेई मेन में जितने भी क्वेश्चन 2013 से लेकर 2019 तक आए होंगे सब सॉल्व किया जाएगा बारी बारी से। 2013 का एक क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ -1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन रेसिमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेदर द आंसर इज कार्बेनायन कार्बीन कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। जरा इसको ध्यान से देखें, ये है 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, राइट। ये है 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन और ये कार्बन काइरल है और इन्होंने कहा है कि ये माइनस है। माइनस का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली प्योर है। प्लस और माइनस किसी कंपाउंड को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये प्लस है कि माइनस है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड फैक्ट। लेकिन ये जो SbCl5 है ना, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये एक लुइस एसिड है और लुइस एसिड क्या करता है, SbCl5 क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। तो ये क्या क्या बना देगा भाई, ये बना देगा प्लस और CH3, ठीक है ना। साथ में बन जाएगा SbCl6-, यानी कि ये बन गया कार्बोकेटायन, राइट, कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के बनने के बाद ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, ये जो कार्बोकेटायन बना है, ये कार्बोकेटायन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेनर है, ठीक है ना, प्लेनर है। इट इज ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। अच्छा, ये कार्बोकेटायन इस तरह से तो रह नहीं सकता, इसको वापस से Cl- मिलता है, ठीक है ना। अब Cl- इस प्लेनर कार्बोकेटायन पे Cl- फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और रियर से भी। एक बार जब हमने स्टार्ट किया था तब Cl- तब क्लोरीन की एक कांस्टेंट और फिक्स्ड डायरेक्शन थी, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि ये माइनस है और प्योर है, ऑप्टिकली प्योर है। दिस कंपाउंड वाज इनिशियली ऑप्टिकली प्योर बिकॉज इट इज मेंशन दैट इट इज -1 क्लोरो 1 फिनाइल, ठीक है ना। लेकिन जब एक बार ये कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया और ये प्लेनर हो गया और वापस से Cl- अटैक करेगा, तो Cl- में अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड Cl- कैन अटैक फ्रॉम रियर बोथ, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव बोथ द कॉन्फ़िगरेशन Cl CH3, और हम इस तरह से एक ClH और CH3 ऐसे ले सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है ना। अगर आप जानते हो तो जॉर्ज ओलाह नाम के साइंटिस्ट ने यही काम किया था, ठीक है ना। जॉर्ज ओलाह ने कार्बोकेटायन पे बहुत स्टडी की है और आज हम जो भी कार्बोकेटायन के बारे में जानते हैं, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बारे में, कार्बोकेटायन की शेप के बारे में, कार्बोकेटायन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो भी हम जानते हैं सब जॉर्ज ओलाह का किया हुआ काम है। इनको नोबेल प्राइज मिला है। और ये कैसे कार्बोकेटायन बनवाया करते थे, RF पर एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड लेकर बनवाते थे, ठीक है ना। और वो क्या करते थे, वो कहते थे भाई ये R प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा SbF6-, और ये एक लुइस एसिड था, बड़ा स्ट्रांग एसिड था। इन्होंने ही HSbF6 को जॉर्ज ओलाह साहब ने सुपर एसिड नाम दिया था। इन्होंने कहा था ये सुपर एसिड है और हमारी लिस्ट में ये एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रांग एसिड है ये HSbF6। जॉर्ज ओलाह साहब ने ही इसको सुपर एसिड नाम दिया था, सुपर एसिड बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड। और ये इसका जो लुइस एसिड है ना, जब इसमें HF डाल दो तो HSbF6 बनता है, लेकिन जो SbF5 है एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड, ये F- निकालने में बहुत फास्ट है, ये एक लुइस एसिड है। तो क्या होता था, कार्बोकेटायन की स्टडी वो कैसे करते थे, कार्बोकेटायन तो बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, इंटरमीडिएट्स होती हैं, तो वो एल्काइल फ्लोराइड लिया, एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड लिया। ये जो SbF6- है ये तो नोन कंपाउंड है, ये नोन है, एक ही अननोन को ही बना है रिएक्शन वेसल में, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए बना हो, लेकिन उसकी पीक्स वगैरह देखकर और फिर वो डिसाइड करते थे कि यही कार्बोकेटायन बना होगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी एंटीमनी पेंटा हैलाइड का जिक्र हो तो आप समझ जाएं कि वो कार्बोकेटायन बनाने की कोई व्यवस्था बन रही है,
ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन का तो आंसर बड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई एक बार ये माइनस वाला कंपाउंड लिया हमने, और जब हमने एंटीमनी पेंटाक्लोराइड में डाला इसको, तो बाद में ये रेसिमाइज हो गया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थोड़ी देर को कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन इस तरह से तो रह नहीं सकता, वापस से न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो उसने कहा भाई सीएल माइनस वापस दो। जब ये सीएल माइनस वापस आता तो फ्रंट से भी आ सकता और रियर से भी आ सकता, क्योंकि बीच में जब ये सी प्लस बना था तो प्लेनर हो गया था। एंड प्लेनर कंपाउंड व्हेन अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल विल मे बी अटैक फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक विद द इक्वल प्रोबेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट द इक्वल मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, व्हिच इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। नोट करें इसको।